देखिए, अगर हम किसी पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा करके उसे एक देवी बना सकते हैं, तो अगर कोई इंसान सच में इच्छुक हो तो हम किसी इंसानी शरीर की प्राण प्रतिष्ठा करके उसे एक देवी क्यों नहीं बना सकते? या तो अपनी ही साधना से वो एक देवी बन सकती हैं, या जो किसी एक पत्थर को देवी में परिवर्तित कर सकता है, तो क्या वो किसी स्त्री को देवी में परिवर्तित नहीं कर सकता, या किसी पुरुष को देवता में? क्या ये संभव नहीं होना चाहिए? ये बिल्कुल संभव है। पता है, मेरी परदादी लोग कहा करते थे वो एक शैतानी औरत है। जब मैंने उन्हें देखा तब उनकी उम्र 100 साल के ऊपर थी। वो उन्हें एक शैतानी औरत कहते थे इसलिए नहीं कि उन्होंने कभी किसी को कोई नुकसान पहुंचाया था, बल्कि उनकी हंसी ऐसी थी। अगर वो हंसती थी तो पूरी गली हिल जाती थी। वो इस तरह हंसती थी। वो 113 सालों तक जीवित रहीं। 113 साल। उनकी शादी एक बहुत ही अमीर परिवार में हुई थी, एक बड़ा जमींदार परिवार। जब वो 68 साल की थीं, वो उनके पति के मृत्यु के बाद उन्होंने परिवार को छोड़ दिया और बाहर जाकर अपने लिए एक छोटा सा मंदिर बना लिया। उन्होंने किसी देवी देवता की स्थापना नहीं की, उन्होंने मंदिर में खुद को ही स्थापित कर लिया। वो वहां अपनी ही चीजें करेंगी, अपनी ही तरह की पूजा, सब कुछ अपनी ही तरह का, और वो आपको कुछ भी बता सकती हैं। जब वो वहां मंदिर में बैठी हैं, वो आपको दुनिया में किसी भी चीज के बारे में बता सकती हैं। आपको यूरोप का इतिहास पता है, जहां आध्यात्मिक प्रक्रियाएं बहुत व्यापक थीं और कितने व्यवस्थित तरीके से उन्हें उखाड़ फेंका गया था। जब वो एक संगठित धर्म की स्थापना करना चाहते थे तो वो सभी लाखों चुड़ैले जिन्हें जला दिया गया था, वो बस वो महिलाएं थीं जिन्होंने कुछ ऐसे विलक्षण गुणों का प्रदर्शन किया जो समाज के उस समाज के तर्क में फिट नहीं बैठते थे। मेरी परदादी को निश्चित रूप से एक चुड़ैल मानकर जला दिया गया होता। भारत में लोग उन्हें जलाएंगे नहीं, लेकिन वो उनकी हंसी से डरते थे। वो निश्चित रूप से एक चुड़ैल हैं, तो हमें चुड़ैलों की जरूरत है। हमें दुनिया में चुड़ैलों की जरूरत है। हमें ऐसी महिलाओं की जरूरत है जो अपने तर्क से अधिक सक्षम हों। हमें ऐसे पुरुषों की भी जरूरत है। हमें ऐसे मनुष्यों की जरूरत है जो जीवन का बोध करने, उसे समझने और उसका अनुभव करने में सक्षम हों, तर्क की भयानक सीमाओं से परे। मैं कम से कम 3 से 5 वास्तविक देवियों की रचना करना चाहता हूं। सच में मेरा मतलब है हार्ड मास की महिलाएं, उन्हें अलग अलग गुणों वाली वास्तविक देवियों में तब्दील करना और लोग उन्हें वैसे ही अनुभव कर सकें। हमारे पास ऐसे काफी लोग हैं जिनमें पर्याप्त ऊर्जा है। हमें बस उन्हें वहां तक पहुंचाने के लिए कुछ प्रक्रियाओं से ले जाना होगा। ऊर्जा की दृष्टि से वो पहले से ही वहां हैं। बात बस इतनी है कि उनके पास अपनी ऊर्जा को लेकर ये समझ नहीं है कि वो उसे खास तरीके से रख सकें। इस समय वो बस ढीले ढाले रूप में ऊर्जावान हैं। हम उसे आसानी से बदल सकते हैं। स्त्री गुण की पूजा इस धरती पर पूजा करने का सबसे प्राचीन तरीका रहा है। केवल भारत में ही नहीं, दक्षिण भारत में, दक्कन पठार के दक्षिण में एक भी ऐसा गांव नहीं है, एक भी ऐसी मानव बस्ती नहीं है जहां उनकी अपनी देवी ना हो। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें, उनकी अपनी देवी। समझे आप? योगी अपने खुद के देवी देवताओं की रचना करते हैं। वो एक तरह के रूप की रचना करते हैं और उसे जीवित कर देते हैं। वो रूप, चाहे वो देवी हों या देवता या वो जो भी रूप हों, वो हर समय योगी के साथ चलते हैं। तो इसी वजह से
उन्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं होती, इसीलिए वो शादी नहीं करते। अगर आप एक स्त्री को एक देवी बना सकते हैं तो आप धीरे धीरे हर स्त्री को एक देवी बना सकते हैं, है ना? एक स्त्री जो एक आम स्त्री की तरह ही पैदा हुई है, अगर वो एक देवी बन सकती है तो कहीं ना कहीं ये संभावना सभी के लिए खुली है ना?